जब भी कहीं मोरल स्टोरी की बात होता है तो बड़ों के साथ साथ बच्चे का भी जिक्र जरूर होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कहानियां वो माध्यम है जिससे यकीनन बच्चों को प्रेरणा मिलता है और सही तरीका से जीने की सीख भी मिलती है, जिससे उसे भविष्य में एक बेहतर इंसान बनने का भी मदद मिलती है। हकीकत में ये छोटी छोटी कहीं सारा मोरल स्टोरी जिंदगी को काफी प्रेरणादायक करती है, काफी प्रेरणा इससे मिलता है। हम और अब भी बचपन में काफी ज्यादा कहानी सुना करते थे। ये सारे छोटे छोटे स्टोरी से हमेशा जिंदगी में कुछ सीख जरूर मिल जाती है, इसलिए ऐसा ही कुछ शॉर्ट मोरल स्टोरी हमेशा सीख सबको पसंद आता है, चाहे वो बड़े हो या बच्चे। इस तरह की कहानियों में आपको अलग अलग प्रकार की भिन्नता देखने को मिलेगी। मेरे कहने की ये मतलब है कि इस तरह की छोटी छोटी कहानी की राइटर विभिन्न प्रकार की कहानी लिखती है, जैसे कि भूतों की कहानी, राजा रानियों की कहानी, पक्षियों की कहानी, गुड्ढा गुड्ढी की कहानी, न जाने कितना कुछ। लेकिन इस सारे कहानियों के अंत में कुछ ना कुछ सीख जरूर दिया जाता है। अक्सर हम अपने घर पे बड़े बुजुर्ग से ये जरूर सुने होंगे कि उनके दादा, परदादा, दादी या परिवार की कोई भी बड़े बुजुर्ग उनको सोते समय कहानियां जरूर सुनाते थे, जिसमें से परी की कहानी, राजा रानी की कहानी, जानवरों की कहानी, भूतों की कहानी, ना जाने कितना कुछ। लेकिन समय के साथ ये सारे सिस्टम बदलते गए। आज के दिन के बच्चे तो गांव जाना भी भूल गए हैं, शायद बड़े बुजुर्गों से ठीक से बात करना भी भूल चुके हैं, क्योंकि पेरेंट्स के पास खुद वक्त नहीं होता है कि वो अपने बच्चे के साथ स्पेंड करें। आज के दिन के बच्चे की सबसे फेवरेट दोस्त कंप्यूटर या मोबाइल, और सबसे ज्यादा पबजी या तो ऑनलाइन फ्रेंड। वैसे में वो सारे कहानी का मजा लेना आजकल बच्चे का नसीब में कहा, इतना ही नहीं बारिश में भीग के कागज की कश्ती और आइसक्रीम वाला के पीछे दौड़ना गर्मी के दिन में, या फिर मोहल्ला की फील्ड में जाकर इकट्ठा वॉलीबॉल बास्केट खेलना, कहाँ आज की बचपन में रह गया है। कहीं ना कहीं वो बचपन ही खो गया है। तो फिर चलिए बिना देरी किए एक बार फिर वो सारे कहानियों को याद करते हैं। मुझे यकीन है मेरी इस छोटी सी YouTube चैनल के माध्यम से वो सारे कहानियां आपको आपकी बचपन जरूर याद दिलाएगी। तो आइए दोस्तों, मैं हूँ महापात्र, आप सभी की स्वागत करती है मेरी इस छोटी सी YouTube चैनल पे। दोस्तों पहली बार अगर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी हमारी बचपन की स्वाद भी, और साथ में ये पर्सनल ब्लॉग और बिजनेस चैनल भी है, तो यहाँ पर आपको मिल सकती है काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है, जब एक शेर जंगल में सो रहा था, उस समय उसके ऊपर एक चूहा उसके शरीर पे बहुत ज्यादा उछाल कूद करने लगा अपने मनोरंजन के लिए। उससे शेर की नींद खराब हो गई और वो उठ गया था और काफी गुस्से में भी हो गया था। गुस्से में शेर तय कर लिया कि आप चूहे को खा जाना है। जैसे ही शेर चूहे को खाने पहुंचा, उसी समय चूहे ने विनती करी कि उसे वो आजाद कर दे, और वो कसम भी देता है कि कभी यदि उसे जरूरत पड़े तब वो जरूर से शेर की मदद के लिए आ जाएगा। चूहे की इस साहसिकता को देखकर शेर बहुत हंसा और उसे जाने दिया। कुछ महीने के बाद एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आ पहुंचा शिकार करने के लिए, और उस शिकारी की जाल में फंस गया शेर। जैसे शेर फंस गया, वो ही उस शिकारी एक बड़ा पेड़ के साथ उसे बांध दिया। ऐसे में परेशान शेर खुद को छुड़ाने का काफी प्रयत्न किया, लेकिन वो कुछ कर ना सका। ऐसे में वो जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ बहुत दूर दूर तक सुनाई देने लगी। वही पास के रास्ते से चूहा गुजर रहा था, और वो जब उस शेर की दहाड़ को सुनी तब उसे आभास हुआ कि वो शेर तकलीफ में है। जैसे ही चूहा शेर के पास पहुंचा, वो तुरंत अपनी पेनी दांतों से जाल को कुतरने लगा।
और जिससे शेर कुछ देर में आजाद हो गया और उसने चूहे को धन्यवाद भी दी। बाद में दोनों साथ मिलकर जंगल में चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि उदार मन से किया हुआ किसी भी तरह का काम हमेशा फलदायक होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर इस तरह की छोटी छोटी और भी बहुत सारे मॉरल स्टोरी अगर आपको सुनना है तो हमारे साथ बने रहिए। आगे बहुत जल्द हम इस तरह का वीडियो आपके साथ लेके आएंगे।